बाकी हमारे लायक कोई हो सब का तो हम हाजिर, कोई मतलब स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए कोई आपको, और इसके अलावा रिसर्च के हवाले से हमारी बहन चाहिए इंशाल्लाह, मिलते जुलते रहेंगे जी आप इंशाल्लाह। और भी कोई चीज, कोई एडवांस एग्रीकल्चर जितने भी चल रही है, ठीक है, हमारे हाइड है इसमें, और उसके बाद ये जो नई मतलब जो आपके वैल्यू हाई वैल्यू फ्रूट्स हैं इनके हवाले से बहुत सारा हम मतलब तो इसकी क्योंकि एयर लेने का बना होता है, इसमें ऑलरेडी वो टिशू आ चुके होते हैं जिन्होंने मतलब, तो बाकी सर एक थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन है सब दोस्तों से, इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में, क्या हम किसी प्लांट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है मतलब इंड्यूस कर सकते हैं जो किसी डिजीज के लिए कंट्रोल कर सके, मिसाल के तौर पर एंटीबॉडी की चीज़ उसमें कर सकें, या मिसाल के तौर पर अगर आप स्प्रिंग खाना चाहते हैं उसकी जगह पे आप गैना खा लें, ठीक है, या फिर और कोई इस हवाले से काम हो रहा है? हाँ जी सर, डॉक्टर शफीक साहब हैं, पुकारी इसी पे रहे हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस फ्री प्लांट्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए के अंदर क्या कहते हैं पीसीआर लगा के डीएनए इनोकुलेट करके उसको क्या कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज को उसके साथ मैचिंग डीएनए की करवा के उसको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो आर्टिफिशियल मीट, इसके मतलब है कुछ आर्टिफिशियल मीट कैसे लोगों ने बना आर्टिफिशियल मीट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मीट भी आ रहा है जल्दी आप लोग, तो बाकी सर अगर आप कुछ आपने जो काम उधर हो रहा है हमें भी आज इसका पता चल जाए भी आज क्या काम कहाँ तक हो रहा है आप लोगों से टाइम नहीं है करते। हाँ हाँ, हम यूनिवर्सिटियाँ कहाँ खड़ी हैं, हम कहाँ खड़े हैं? नहीं नहीं, मैं जो है ना वो जो आप कह रहे हैं वो हम तमाम जो असातिज़ा हैं यहाँ पे और जो सारे सालगिरह हैं मज़ामीन से हैं, ये इन सब की तरफ से आपकी हॉस्पिटैलिटी का सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत आनंद दिया हमें। उसके बाद ये कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उससे हमें सीखने का मौका मिला, और ज़ाती हैसियत में मैं ये समझता हूँ कि जो टीचिंग और रिसर्च में गैप है, एक्चुअली हम लोग जो या ये बच्चे जो बात कर रहे थे वो हो रहा है लैब में काम, उस लैब के काम का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो प्रैक्टिकली फील्ड में आप उसे ट्रांसलेट नहीं करते। तो जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उनको उन चीज़ों का ज़्यादा पता है, इसलिए मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश होगी कि हम आपको बाकायदा इन्वाइट करें डिपार्टमेंट में, और वहाँ आके आप जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हम टाइम की कमी की वजह से नहीं इस वक्त कर सके उनको देखा जाए, और फिर हम उस पर कोई जो कोलैबोरेटिव काम है वो भी कर सकते हैं, हम आपके जो एक्सपीरियंस है उससे इंशाल्लाह इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको कोई हेल्प हो सके तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत शुक्रिया सर। आप जाएंगे।